नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब ईडी जांच कर रही है, लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल यही है कि आखिर केजरीवाल के बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। भले ही केजरीवाल लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, लेकिन क्या जेल से सरकार चलाना संभव है भी? कानूनी रूप से कोई भी अधिकार ऐसा नहीं है या कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने से रोकती हो, लेकिन जेल के भी अपने कायदे और नियम होते हैं कि आखिर जेल से सरकार कैसे चलेगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जेल में कहीं ना कहीं आप लोगों से मिल नहीं सकते, आप बैठ के नहीं कर सकते, आप 10 लोगों के साथ वहाँ पे बात नहीं कर सकते, मिलने जुलने में कठिनाइयाँ हो सकती हैं, आप वहाँ पे फ़ोन और जो चीज़ें हैं उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन क्या केजरीवाल जिस तरीके से दावा कर रहे हैं, क्या ये संभव है भी? कानून इन्हें नहीं रोकता, लेकिन आज़ाद भारत के इतिहास में आखिर पहली बार क्या जेल से सरकार चलाने में सक्षम हो पाएंगे केजरीवाल, यह भी एक बड़ा सवाल है। आपको बताते चलें कि इससे पहले जितने भी मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने साफ तौर पर पहले इस्तीफा दिया, उसके बाद गिरफ्तारी हुई है उनकी। लेकिन जिस तरीके से शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है, पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री भी रहे, और उसके बाद जो है संजय सिंह, ये तमाम जो बड़े नेता हैं इनकी गिरफ्तारी के बाद से ही कयास लगाने शुरू हो गए थे कि केजरीवाल की भी गिरफ्तारी जल्द हो सकती है, और कहीं ना कहीं केजरीवाल हाईकोर्ट भी गए लेकिन कोई भी राहत नहीं मिली, और आखिरकार 9वें समन के बाद केजरीवाल गिरफ्तार हो ही गए, यानी ईडी ने अपना शिकंजा कसी लिया। एंड सबके बीच एक बड़ा सवाल यही है कि क्या जेल से वो सरकार चला पाएंगे। जेल से सरकार चलाना और ना चलाना एक अलग बात है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कानून क्या कहता है। कानून तो उन्हें रोकता नहीं है, लेकिन क्या ये चीज़ें संभव हैं? ज़रा सोचिए, एक मुख्यमंत्री को दिन में 1000 लोगों से मिलना होता है, बैठकें करनी होती है, मीटिंग्स करने होते हैं, अपने मंत्रियों के साथ योजनाएं बनानी होती हैं और बातचीत करना होता है अपने सहयोगियों के साथ, लेकिन जेल में तो ये संभव नहीं है। और ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि केजरीवाल जेल से सरकार नहीं चला पाएंगे अगर जल्द ही वो इस्तीफा नहीं देते हैं, तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। आखिर एक केजरीवाल किस प्रोसेस के तहत जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, यह भी एक दिलचस्प कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल बाइट के साथ।